ये जो युवा यहाँ बैठे हैं, ये किसका फेलियर है? युवाओं का फेलियर है या सिस्टम का फेलियर है, नेताओं का फेलियर है? नेता लोग 5 साल के लिए चुने जाते हैं, सिस्टम में जो बैठे होते हैं अधिकारी वो 60 साल तक अपनी नौकरी करते हैं। तो सर नेता लोगों को तो पॉलिसी बनाना आता है कि नेता, मेरे को नहीं पता, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी उनको सिस्टम बनाना आता है और उसी सिस्टम की फेलियर की वजह से आज युवा सड़क को बैठा है। कितनी सोचने की बात है ना सर, ये जो अधिकारी कंपटीशन दे के खुद कंपटीशन दे के पास होते हैं, उनको जो कंपटीशन दे के बैठे हैं यहाँ पर युवा एडिशनल डिग्रीधारी चयनित, उनका दुख समझ में नहीं आता कि सर हमको 14 दिन हो गए आज यहाँ पर बैठे हुए, किसी ब्यूरोक्रेसी या किसी नेता का हमें अभी तक आश्वासन नहीं मिला कि आप इस धरने को समाप्त करो, उठ जाओ, आपकी नियुक्ति हम करा देंगे। सर नियुक्ति की मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे, हमारा वही टारगेट पूरा नहीं हो रहा, आगे जो कंपटीशन आएगा हम उसकी कैसे तैयारी कर पाएंगे? सर राजस्थान में एक भर्ती होती है, उसमें 5 साल ख़त्म हो जाते हैं और उस एक कंपटीशन की तैयारी के लिए एक युवा को ज़्यादा भी नहीं सर 3 लाख रुपये का उसको लॉस होता है। 3 लाख रुपये पहले वो कर्जा लेता है, उसको एक एक रुपये अपना किताबों के थ्रू और उस टाइम के थ्रू खर्च करता है, उसके बाद भी सेलेक्ट होने के बाद भी यहाँ धरने पर बैठना पड़ता है। सर बीजेपी गवर्नमेंट से तो मेरी यही मांग है कि सर सिलेबस में एक धरने का लेसन तो हर क्लास में होना चाहिए, 6 से 12 तक, तो कम से कम जो युवा जो पढ़ रहे हैं आगे नौकरी की तैयारी करने वाले हैं उनको ये तो समझ में आए कि चयनित होने के बाद भी आपको धरना देना पड़ेगा और धरने की रूपरेखा कैसी होती है, कैसे उसको बैठना पड़ता है, कैसे वो तैयारी कर पाता है, कैसे वो खाना जुटा पाता है, कैसे वो बिस्तर एडजस्ट करता है, कैसे रहता है इस सर्दी में यहाँ पर बैठा हुआ। सर हमारे धरने का आज 14 दिन है और हम सभी साथी अपनी एक ही मांग के लिए डटे हैं कि हमारी नियुक्ति हो। जो मैं एडिशनल डिग्रीधारी हैं वो सिर्फ अपने डिग्री के बेस पर इस कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हैं और हमने दो दो एग्ज़ाम क्रैक करके इस पोजीशन पे आए हैं। और देखिए जब एक बेरोज़गार होता है तो वो किस प्रकार से अपनी परिस्थिति से जूझता हुआ एक कंपटीशन में उतरता है और अपनी समस्त समस्याओं को साइड में रखकर, चाहे उसके पास पारिवारिक समस्या हो चाहे इकोनॉमिक हो, सबको साइड में रखकर वो अपना सिर्फ एक लक्ष्य रखता है कि मेरे को नौकरी लगनी है। और वो हमने किया, हमने जितना किया उतना हमने पाया, लेकिन अब ये गवर्नमेंट की असफलता है कि वो हमें जोनिंग नहीं दे रहे हैं। तो मैं भाजपा सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति प्रदान करें। सर हमें तो सरकार से यही गुहार है कि हमें तो नियुक्ति चाहिए और हम बहुत दिन हो गए बैठे हुए, हम पिछले 6 महीनों से इधर उधर भटक रहे हैं और हमें सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं, जैसे कि सर ने कहा हाथी के दांत दिखाने के कुछ और करने के, वो सेम यहाँ पर वाक्य फिट हो रहा है और हमें सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं, इधर से उधर हम भटक रहे हैं और भटक भटक के हमारे तो फिजिकली भी थोड़ा सा चैलेंज हो चुके हैं, पैरों में दर्द हो चुका है और बच्चे भी अब पूछने लग गए हैं मम्मी ड्यूटी कब मिलेगी, ड्यूटी कब मिलेगी, अब उनको क्या बताएं कि हमें सरकार कब तक लटका के रख रही है। सर हम तो बस यही चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए सरकार और हमें यहाँ से फ्री करे और सारा ये जितने भी धरने पे बैठे हैं ये शहीद स्मारक ख़त्म हो, ये यहाँ से खाली हो, तभी ये विकसित कहलाएगा, नहीं तो ये चलता ही रहेगा। सर सरकार से सकारात्मक आश्वासन इतना ही मिला है बस मंत्री जी से कि भाई आपकी फाइल दिखवा रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन काम कब तक होगा, क्या डेडलाइन है, इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से कहने को तैयार नहीं है। मेरा तो बस इतना सा निवेदन है इस सरकार से कि अगर युवा इस तरह से अगर दर दर की ठोकरें खाएगा तो कहाँ गई सर आपकी राम राज्य की सरकार, जिन बड़े बड़े वादे कहाँ गए सर, वो जिनको दिखाकर आपने जिनको लोगों को पूरी तरह से मतलब ये बताया था कि हम पूरी तरह से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। सर ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सर हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं सर और खाने के कुछ और होते हैं सर। सर नई एजुकेशन पॉलिसी जो अभी मोदी जी ने 2020 में लागू की है उसमें यह है कि एक जो बंदा आर्ट्स का एक सब्जेक्ट, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट और साइंस का एक सब्जेक्ट, वो अपने इच्छानुसार किसी भी कैटेगरी से कोई सा सब्जेक्ट चूज़ करके अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकता है। और सर कुछ एक समय पहले अभी एक नई और घोषणा की है कि जिसके पास बायो नहीं है 12th में, जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है, वो बंदा एक साल से एडिशनल करके वो PMT की तैयारी कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है। जब सर वो लड़का साइंस नहीं होते हुए भी बायो लेके एक साल एडिशनल करके डॉक्टर बन सकता है, ऑपरेशन वो तो डॉक्टर बनने के साथ सारे काम करेगा सर, वो ऑपरेशन भी करेगा, एक तरह से ये माने कि वो भगवान का दूसरा रूप बन जाएगा। हमें तो सर स्कूल में जाके टीचिंग ही करानी है, बच्चों को पढ़ाना है और गवर्नमेंट के लिए एक प्लस पॉइंट एक ये भी है कि रेगुलर वाला 3 सब्जेक्ट में जाके पढ़ाएगा, हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट का तो एक टीचर की पूर्ति हम ज़्यादा कर रहे हैं सर।
और हमारे बीच में ऐसे कैंडिडेट बैठे हैं सर, जो आने वाली जो वैकेंसी है ना फर्स्ट ग्रेड की, उसमें आधे से ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सर इतने जब जिनकी एजुकेशन उतनी अच्छी है, गवर्नमेंट उनको दूर किए बैठी है, हमारे साथ कहीं ना कहीं तो ये कुठाराघाती कर रही है सर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि सर जल्दी से जल्दी हमें स्कूलों में नियुक्ति देकर हमें ज्वाइनिंग दे सर। यहाँ शहीद स्मारक जयपुर में हम 14 दिन से एडिशनल डिग्रीधारी धरना दे रहे हैं अपनी नियुक्ति मांग को लेकर। तो मैं तो भजन लाल जी सरकार से केवल इतना ही कहूँगा, क्योंकि वो हमारे राजा हैं, कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टकासेर बाजी टकासेर कहा जाए, जो ये कहावत है इसको चरितार्थ ना होने दे, क्योंकि आज युवा सड़कों पर धरने दे रहा है। आज धरना स्थलों पर कई ऐसे जगह बनी हुई है जहाँ युवा अपनी मांग को रखते हुए पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या उनका हक नहीं बनता कि उनके पास जाकर उनका संज्ञान ले? अगर आपके राज्य में ऐसे युवा के साथ अन्याय होगा तो कहाँ ना कहीं ये आपके ऊपर ही भारी है। तो आचार संहिता से पहले पहले आप इस चरितार्थ को सिद्ध मत होने दीजिए और संज्ञान लेकर तुरंत जितने भी युवा साथी है, जैसे हमारे एडिशनल डिग्रीधारी है, वैसे अन्य और लेवल वन के हैं, ऐसे जिन जो भी पात्र व्यक्ति है वो अपनी पात्रता को सिद्ध करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र आदेश जारी करवाओ। नहीं तो कहीं ना कहीं जो ये मैंने जो कहावत की थी वो सिद्ध होती नजर आ रही है कि टका शेर बाजी टका शेर खाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा टका शेर बाजी टका शेर खाजा। मांग हमेशा से वही है, हमें नियुक्ति चाहिए। जैसे 2018, 2016 और 2021 में एडिशनल नियुक्तिधारियों को एडिशनल जो डिग्रीधारी है उनको नियुक्ति दी गई थी, वैसे हमें भी नियुक्ति दी जाए। और हम कोई नाजायज़ मांग करके नहीं बैठे हैं, या ये नहीं कि हम किसी मेरिट बेस के एग्ज़ाम में पास होके आए हैं। हमने भी कंपटीशन दिया है, दो दो एग्ज़ाम फाइट किए हैं, पहले क्वालिफाइड एग्ज़ाम फाइट किया, उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरिट में नंबर लेके आए हैं। और जहां हम ये सपना सजा के बैठे थे कि हमें जल्दी स्कूल में ग्रीन रजिस्टर पे सिग्नेचर करने को मिलेंगे, ये पता नहीं था कि इस ग्रीन कारपेट पे बैठकर यहाँ धरना देना पड़ेगा हमें। 13-14 दिन हो गए हम धरने पे बैठे हैं। एक तरफ बीजेपी सरकार बजट निकालती है, बजट में घोषणा करती है कि इस बार का जो बजट है वो महिलाओं और युवाओं पे पूरा का पूरा उनके ऊपर है, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि युवा भी आज सड़कों पर बैठा है और महिलाएं भी सड़कों पर बैठी है। फिर किस प्रकार का आप बजट प्रस्तुत कर रहे हो, किस प्रकार के आप गारंटी दे रहे हो युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, जब दोनों महिलाएं अपने बच्चों को लेकर बैठी हैं, युवा अपने जो आर्थिक इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर बैठे हैं, अपने फिजिकली प्रॉब्लम्स लेकर बैठे हैं, मेंटली डिस्टर्ब होकर बैठे हैं सारे के सारे। तो आप किस प्रकार के आप वादे कर रहे हो जनता से कि हम महिलाओं और युवाओं को हर प्रकार से सहायता प्रदान कर रहे हैं? 14 दिन हो गए यहाँ पर धरने में बैठे बैठे और सरकार हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। मैं सरकार से यही निवेदन करूँगी, जैसे 16 और 18 में नियुक्ति दी है एडिशनल वालों को, वैसे ही हमें भी नियुक्ति जल्दी से जल्दी आचार संहिता से पहले दे। नहीं तो पिछली सरकार जो कांग्रेस सरकार है उनके पास भी हम दौड़े और उन्होंने इसका नतीजा वोट दे के हमने उनको बताया कि क्या होता है। यहाँ पर सिर्फ 1000 स्टूडेंट नहीं है, ये 1000 परिवार हैं और एक परिवार में 15 सदस्यों के ऐसे मतलब 1000 परिवार के सब लोग परेशान हो रहे हैं। बस मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से नियुक्ति दे, आचार संहिता से पहले हमें नियुक्ति चाहिए। सर ये जो हमारी एडिशनल डिग्री है ये तीन वर्ष के बाद एक चतुर सब्जेक्ट ऑप्शनल एक सब्जेक्ट है और ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया था और हमने बिल्कुल वही चौथे ऑप्शनल सब्जेक्ट में इसको चूज करके और हमने बीएड करके और वही बच्चों के साथ जो 3 साल में लिए थे उनके साथ ही हमने कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दिया था, वही प्री पास किया और वही मेन्स पास किया है हमने। उनकी मेरिट में शामिल है, उनके ऊपर अंक ला के जो पोस्ट निकाली उसी में शामिल हुए हैं, बस हमारा रिजल्ट रोक गया प्रोविजनल में डाल के। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि जो सब्जेक्ट अगर कंपटीशन का एग्जाम बच्चा फाइट कर गया तो उसका टैलेंट है उस सब्जेक्ट में, जब भी तो फाइट कर चुका है, तो सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं समझती, क्यों ये नॉन एडिशनल एडिशनल करती रहती है, हमको एडिशनल करके क्यों वो कर दे, क्यों बाहर कर रही है? हमें जब टैलेंट था तभी तो हम उन एग्ज़ाम फाइट करके आए ना। और हम रामराज सरकार से यही कि हमको जल्दी से धरने से उठाकर हमको स्कूलों में पहुँचाए। फाइल ये बोलते हैं फाइल चल रही है, लेकिन हमको बिल्कुल हमारे सामने मतलब ऑर्डर ला के हमको स्कूलों में पहुँचाए। अब ये नहीं कि आचार संहिता में हमको स्कूल अलॉट करके भी आचार संहिता में फंसा दे, क्योंकि एक आचार संहिता में हम पहले फंस चुके, 4-5 महीने हमने पहले बर्बाद कर दिए। और अब तो हमको कम से कम, क्योंकि फिर वो इलेक्शन होएंगे और फिर वही गर्मियों की छुट्टी आ जाएगी, हमारा तो पूरा 1 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको जल्दी से स्कूलों में, और अभी भी ये चला रही है गवर्नमेंट, अभी भी ये मुद्दा खड़ा कर रही है, क्योंकि आज आया था कि मैथ का विद्यार्थी है जो
एक साल मतलब एडिशनल करके वो नीट की एग्जाम दे सकता है। अगर वो नीट की देगा तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, जब ही नीट पास करेगा। ऐसे हमारा साथ हमारे साथ हुआ था और फिर आगे भी यही मुद्दा चलेगा। गवर्नमेंट मतलब खुद वो करके खुद के विचारों से ही मुकर जाती है, ऐसा नहीं करे, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करे ये गवर्नमेंट। जो भी नियम फैसला लेती है तो उसके आगे भी मतलब उस पर मतलब दृढ़ संकल्प के साथ ही ले। हम ये कि बेरोजगारों के साथ ये खिलवाड़ नहीं करे ये गवर्नमेंट।